तो दोस्तों आज इस एक ही वीडियो में हम लोग दो दो गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सबसे बड़ी बात कि ये दो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, एक तो अपने भारत की तरफ से और एक भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ग्रीस की तरफ से। और इससे भी बड़ी बात ये है कि दोनों की गुड न्यूज़ बिल्कुल सेम है, यानी ऐसी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है दोनों देशों से जो कि 100% सिमिलर है। और इन दोनों देशों की गुड न्यूज़ टर्की पाकिस्तान जैसे देशों के लिए किसी खतरनाक सपने से कम बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से। ये जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी आ जाता है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध जब हुआ था उसके बाद से टर्किश ड्रोन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इस तरह की बातें बताई जा रही थी और बहुत पीआर कर दी गई थी कि अजरबैजान की तरफ से जो युद्ध जीता गया अर्मेनिया के खिलाफ, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टर्किश निर्मित ड्रोन जिसका नाम है TB2। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इस युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि अजरबैजान द्वारा टर्किश ड्रोन्स के साथ साथ इजरायली ड्रोन्स भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए थे। जी हाँ, और इजरायली टेक्नोलॉजी और टर्किश टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस देश की टेक्नोलॉजी ज़्यादा उन्नत हो सकती है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता था कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड था और ड्रोन्स मार्केट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी था। अब ये जो ड्रोन वॉरफेयर निकलकर सामने आया, इसके सामने सभी के सभी देश घुटने शुरुआत में इसलिए टेक दिए थे क्योंकि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक तैयार नहीं किया गया था। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण ये है कि ये वॉरफेयर एकदम नया नया सा है। अभी अगर हम लोग एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात करें, उससे पहले अगर ये बात कर लें कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो कि ड्रोन्स को डेवलप कर चुके हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया में आप बड़ी मुश्किल से इतने नाम भी निकाल नहीं पाएंगे जितने आपके हाथों में उंगलियाँ हैं। कहने का मतलब दुनिया के गिने चुने देश ही आज तक ड्रोन्स को डेवलप कर पाए हैं। तो जब ड्रोन्स ही नए नए डेवलप हुए हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार हो जाए हाथों हाथ, ये तो संभव नहीं है। और जब तक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार नहीं हुए तब तक इन ड्रोन्स ने बड़ा मौज किया और जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में इनका इस्तेमाल किया गया ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए। लेकिन दोस्तों ग्रीस की तरफ से एक दावा किया गया है और ग्रीस की तरफ से दावा ये किया गया है कि जो टर्किश ड्रोन है ये केवल एक हवा मात्र है और इन ड्रोन्स के खिलाफ देखा गया है कि सड़े से सड़े बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन ड्रोन्स को जाम किया जा सकता है और ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हमें मिला रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशियन फोर्सेस द्वारा बहुत आसानी से इन ड्रोन्स को किल किया गया और एक बहुत बड़े नंबर में बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा टर्किश ड्रोन जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी उन्हें शॉट डाउन किया गया रशिया तरफ से। तो कहने का मतलब इस तरह के ड्रोन्स जो कि बहुत बड़ा खतरा बनकर दुनिया के सामने आए थे ये एक्सपोज होना शुरू हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर से। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो आपके पास प्रॉपर एंटी ड्रोन सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। ये कितने भी खराब क्वालिटी के ड्रोन हो, इन्हें मारना कितना भी आसान हो, लेकिन आपके पास सिस्टम तो होने चाहिए ना। तो इसी को लेकर खबरें निकल कर आ रही है ग्रीस और भारत दोनों की तरफ से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दोनों ही देशों ने अपने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिए हैं। ग्रीस की तरफ से भी अनाउंस किया गया है कि उनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बिल्कुल अपनी टेस्टिंग के अंतिम चरणों में चल रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करके रखे हैं। एक्चुअली 2 साल पहले जो जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एक ड्रोन से अटैक हुआ था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बढ़ गई थी भारत के अंदर कि इस तरह के छोटे मोटे ड्रोन भी बड़ा डेंट पहुंचाने में सक्सेस हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इन्हें डिटेक्ट कर पाना, इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनके लिए प्रॉपर एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए, जिसके बाद कवायद शुरू हुई। इन ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तलाशने की कोशिश की गई भारतीय फोर्सेज द्वारा, लेकिन तभी खबर निकल कर आती कि इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी हमारे DRDO द्वारा तैयार किए जा चुके हैं और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हम लोग पहले भी स्पेशल इवेंट्स के दौरान कर चुके हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे का फंक्शन हुआ या फिर इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हुआ या फिर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और नमस्ते ट्रंप करके जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें भी इस एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इनकी कई सारी टेस्टिंग वगैरह चली, हमारी फोर्सेज ने इन्हें अलग अलग कंडीशन से गुजारने की कोशिश की। जब ये पूरी तरह से सही साबित हुए तब इनके ऑर्डर प्लेस किए जाने लगे और अब खबरें निकल कर आ रही है कि DRDO के इसी एंटी ड्रोन सिस्टम को भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किया गया है। जी हाँ, यानी अब ये भारतीय नौसेना के वॉरशिप में इंटीग्रेट किए जाएंगे जो कि आपको 360 डिग्री का कवरेज देंगे। इनके अंदर सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की कैपेबिलिटी होगी, यानी ये ड्रोन्स को जैम भी कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से और अगर जरूरत आन पड़ी तो ये डायरेक्टली अटैक करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट भी कर देंगे। तो इनका ऑर्डर कर दिया गया है, बहुत ही जल्द नेवी को ये एंटी ड्रोन सिस्टम मिल जाएंगे जिन्हें शुरुआती तौर पर नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जा रहा है। वैसे इसके अतिरिक्त भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसे दुर्गा 2 के नाम से हम लोग जानते हैं,
उसको लेकर भी जल्द डेवलपमेंट निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि चाइनीज ड्रोन्स भी भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुके थे और टर्की द्वारा रिसेंटली पाकिस्तान को अपने हाईटेक ड्रोन सौंपे गए हैं, जो कि भारत के लिए अगेन काफी बड़ा खतरा हो सकते थे। और अगर बात की जाए ग्रीस की, तो ग्रीस तो बहुत ही ज्यादा परेशान था इन टर्किश ड्रोन से। टर्की के ड्रोन आए दिन ग्रीस के टेरिटरी में घुस जाते थे, उसके एयर स्पेस का वायलेशन करते थे और वहां पर ताकझाक करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब एक साथ दोनों देशों में इस तरह की गुड न्यूज निकल कर आई है, जो कि हर लिहाज से टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो उपयुक्त नहीं हो सकती।